नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेकर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे पैसा को रुपया में कैसे बदला जाता है। जैसे आपके सामने कोई पैसा है, कोई देखिए रीजनिंग में ये आपका टॉपिक होता है कि पैसे और सिक्कों वाला क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, उसी प्रकार से जानेंगे कि आपके सामने पैसे हैं और उनको आप रुपयों में कैसे कन्वर्ट करेंगे या रुपयों को पैसों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही वीडियो में सिखाया जाएगा आज। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ऑल टाइप ऑल टॉपिक समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो पहले आपके सामने 100 पैसे को 1 रुपये में बदलने के लिए बताया गया है, ठीक है। आपके सामने कुछ इस प्रकार के दो टाइप होते हैं, एक आपको टाइप यहाँ बताया जाएगा, एक ये वाला है, ठीक है। इस पहले टाइप को देखते हैं। पहले टाइप आपको 100 रुपये को बदलना है 1 पैसे में, यानी कि 100 रुपये में कितने 100 पैसे में कितने रुपया होता है। तो एक टाइप तो आपका ऐसा है कि या फिर 0 से 0 और इस 0 से ये 0 काट दीजिए तो आपका 1 रुपया बचेगा, ठीक है। या ऐसे भी आप 100 पैसे से 1 रुपया निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं कि आपके सामने 100 रुपया है तो आप पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 0 के बाद दशमलव लगा दीजिए तो यहाँ पे आपका 1 रुपया निकल के आ जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा 1.0, यानी कि 0 का मतलब नहीं होता तो आपका 1 रुपया आ जाएगा, इसका भी आपका 1 रुपया निकल के आ गया था। इसी प्रकार से आपको पैसे में रुपया में बदलना है। देखिए तो अब कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, उनको आप देख लीजिए। देखिए 300 रुपये यानी कि 300 पैसे हैं उनको रुपये में कैसे बदलेंगे। 300 पैसे को तो जैसे मैंने बताया, या तो आप 300 या 100 से लिख के काट दीजिए, जैसे कि 300 लिखा है आपको, या 100 से लिख के काट दिए, 20 से 20 कितना बचा 3 रुपया, या फिर आपका शॉर्ट रखे कि 300 रुपये आपके लिखे हैं 3 पैसे तो अब 2 अंक बाद लगा दीजिए दशमलव, तो आपका कितना बन गया 3 रुपया बन गया। दशमलव के उस साइड वाली संख्या 0 रहेगी तो 0 आपको नहीं गिनना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास 650 रुपये, 650 पैसे हैं इनको आपको रुपयों में बदलना है। इसके सामने आपको 2 0 नहीं दिए गए हैं तो इनको आप कैसे बदलेंगे। तो देखिए जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि आपको सिर्फ 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। कितने अंक के बाद लगाना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो आपके सामने 650 रुपये लिखा गया है, 1 और 2 अंक के बाद आप दशमलव लगाएंगे तो आपका ए निकल के आ जाएगा। इसको कितना पढ़ा जाएगा, 6 रुपया 50 पैसा पढ़ा जाएगा, ठीक है। पूरे 7 नहीं हुए हैं, 6 रुपया 50 पैसा इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके सामने है 825 रुपये, तो 825 पैसे हैं इनको आपको रुपये में कन्वर्ट करना है। तो रुपये में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि 2 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको आप कितना पढ़ा जाएगा, 8 रुपये 25 पैसा, 8 रुपये 25 पैसा इसको आपको पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़े लंबे, यानी कि ज़्यादा पैसों से पैसे कैसे बनाए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी आपको करना है, ठीक है। तो आपके सामने नेक्स्ट दिया गया है कि 2016 को 2016 पैसे, यानी कि 2016 आपके पास पैसे हैं उनको आपको रुपये में कन्वर्ट करना है। तो 2016 आप कैसे, 2016 इनके पैसे आपके पास, उनको आपको रुपये में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि 2016 को आपको संख्या नहीं देखनी है कितनी बड़ी है, आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि आपको सिर्फ 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 6 और 1 के बाद दशमलव लगाया जाएगा तो आपका यहाँ पे आएगा। इसको आपका पढ़ा जाएगा 20 रुपया 16 पैसा, 20 रुपये 16 पैसा, यानी कि रुपया आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 5000 पैसे हैं आपके पास और आपको रुपये में कन्वर्ट करना है। ऐसी संख्या आप अपने उसमें लिख लीजिए, इनकी आप कॉपी पर, अब कॉपी पर संख्या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लिख के, बड़ी से बड़ी संख्या लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा आपका साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2-4 क्वेश्चनों के साथ मैंने
कॉन्सेप्ट है जो सवालों का वो क्लियर कर दिया है। आगे आपको बड़ी सी संख्या लिख के आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। देखिए 5000 पैसे, तो 5000 को आप इस तरीके से लिख लेंगे और 5000 को आप, मैंने बताया, दो अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे, यहाँ दशमलव आने के बाद आपका कितना बचा, 50 रुपया। तो 5000 में आपका 50 रुपया बन जाता है। कितना बनता है आपका, 50 रुपये बनता है 5000 पैसों में। कुछ तो आपको याद ही हो जाएंगे करते करते, ठीक। नेक्स्ट है आपका 3000, तो 3000 को आपको 5000 का किया, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे ऑल क्वेश्चन अभी तक करते आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको करना है। 5000 का देखिए 1, 2 यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 30 रुपया। 3000 में आपका 30 रुपया बन जाएगा। ऐसे ही आपको वीडियो को देखते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।